तो एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि जैसे हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ सुबह को, जब रात को हम चमोली में रुक गए थे, उसके बाद हमने सुबह जब अर्ली मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था व्लॉग जो वो मेरा उसमें है स्लो मोशन, मतलब फास्ट मोशन में कब सेट हो गया ऑटोमेटिक में, तो मुझे पता नहीं, जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को हमने कितने का रूम लिया, क्या लिया, कैसा कैसा रूम था। तो हमने रूम जो है नॉर्मल 1000 रुपये के अंदर अंदर लिया, 700 रुपये में हमें रूम मिल गया था। और हमें तो खाली सोने के लिए चाहिए था क्योंकि 10-11 बजे तक हम राइड कर रहे थे, उसके बाद हम सुबह हमको 4 बजे निकालना था, तो हमें कुछ फैसिलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं, हमें ओनली सोने का जुगाड़ चाहिए था, तो वो मिल गया था। तो अब यहाँ से आगे ब्लॉग, तो दोस्त अभी हमें एक होटल में जगह जिस चाय पीने में रुके हैं वहाँ भी चाय बना रहे हैं, और यहाँ से हम 10 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर चलेंगे वापस आगे की तरफ, क्योंकि बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी बट अब बंद हो गई है प्रॉपर और थोड़ा उजाला भी हो गया है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए फटाफट। अब यहाँ से जाए अप्रॉक्स 80 किलोमीटर के लमसम रह गया है, 10-15 किलोमीटर हम चल चुके हैं अब तक, और अब चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों नाश्ता करने का था, हम कंटिन्यू चले और अब हम थोड़ी देर में जोशीमठ पहुंचने वाले हैं, मतलब अप्रॉक्स यहाँ से बचा हुआ 5 किलोमीटर जोशीमठ। बट अब हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं, बाइक में फ्यूल चेक कीजिए भाई साहब, कल से नहीं भरा है, मतलब जब से चले हैं अभी तक फ्यूल नहीं भरा है, एक बार भी नहीं, एक भी, अरे एक डंडी दिखा रहा है, इस समय गाड़ी तेज थी तो एक फ्यूल दिखा रहा है, वैसे फ्यूल है ही नहीं गाड़ी में, बच ही नहीं रहा फ्यूल। अब यहाँ से फ्यूल जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। और एक पोपट यहाँ पे केवल डीजल उपलब्ध है, पेट्रोल अगले पेट्रोल पंप है, और ये बात उनको भाई को पता नहीं है, उनको जरा गुड न्यूज़ दे के आते हैं। अरे चार्जर इधर आना, गुड न्यूज़, कहाँ से पीएचडी करे हो तुम, कहाँ से पीएचडी करे हो तुम, क्या है यहाँ डीजल पेट्रोल अगले 5 किलोमीटर पर है। पोपट हो गया भाई लोग, पोपट हो गया, वहाँ देखो अगले पाँच अगले पेट्रोल पंप पर की दूरी 5 किलोमीटर, चल भाई पोपट हो गया, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में एक भी घंटा। तो दोस्तों हमें जोशीमठ से थोड़ा नीचे, मतलब नीचे आ चुके हैं हम जोशीमठ से, जोशीमठ ऊपर छोड़ के ये फाइनली इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ पर केवल पेट्रोल उपलब्ध है, यहाँ पर डीजल उपलब्ध नहीं है। अगला पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर की दूरी पर, वापस को जिसको हम पहले छोड़ के आ गए, बट अब यहाँ पर हम थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और यहाँ से तब निकलेंगे जब पेट्रोल मिलेगा। भाई बगैर पेट्रोल के चलना यहाँ से बहुत रिस्की हो जाएगा मान लिए, तो मतलब पेट्रोल तो है ही नहीं हम गाड़ी में, तो पेट्रोल भराएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ।
केदारनाथ से शायद 15 किलोमीटर की दूरी पे, और बाइक तब से खींची रही है, पेट्रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब ख़त्म होगा तो बहुत दुख होगा भाई साहब, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा। बाकी नज़ारे भाई साहब, ओए ओए इस चोटी को देखिए, यहाँ से सनराइज़ हो रहा है, खतरनाक भाई साहब। यहाँ आओ भाई साहब, तभी कहते हैं लोग पहाड़ों में जन्नत है, यहाँ है असली जन्नत। तो अभी हम यहाँ थोड़े 2 मिनट रुके हैं, गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी भाई, पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। अब तो सूंघ के चल रही है शायद, पेट्रोल सूंघ सूंघ के चल रही है अब, जहाँ तक पहुँचा बाकी भोले बाबा की कृपा। देखते नीचे, और बाकी भाई साहब नज़ारे चेक कीजिए आप यहाँ से ऊपर के, खतरनाक पहाड़ भाई साहब। हाँ सबसे पहले हम पेट्रोल पंप ढूंढेंगे, बाद में देखते हैं यार क्या जगह है। तो आगे होगा, तो लो जी पहुँच चुके हैं हम बद्रीनाथ में, और यहाँ मेरे पीछे देखिए लोकल मार्केट यहाँ का। यहाँ पे भी हम शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत कुछ पूछेंगे, वैसे तो यहाँ बहुत महंगा रहेगा बट जो भी होगा। बाइक ने खींच ही दिया पेट्रोल, मतलब पूरा जितना भी था उसमें पेट्रोल पूरा निकल गया, अपना काम चल गया। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ, नीचे सामान वगैरह लेते हैं पूजा के यहाँ से। अब चलते हैं नीचे, भक्तगण भक्तगण आ रहे हैं, बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं। मार्केट भाई साहब, फोटो देखो भाई, तीनों धाम की, चारों धाम की सॉरी। तो जी वो रहा सामने अपना बद्रीनाथ धाम, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, मजा आ गया, क्या जगह है यार। तो जी पहला धाम हमने अपना अचीव कर लिया, बद्रीनाथ धाम, और अब बचे हैं हमारे तीन धाम। तो मेरे दो इनके, तुम्हारे दो, चले मेरे तीन है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। चलते हैं अभी, वहाँ भीड़ भी है, ठीक ठाक भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। तो पहले वहाँ कवर करके आते हैं फटाफट, और तब आते हैं वापस, तब देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों क्या खतरनाक लग रहा है भाई साहब, क्या गजब सीन है। ये है अपना बद्रीनाथ धाम, नीचे गंगा है वहाँ, और ऊपर बद्रीनाथ धाम, और भीड़ देखिए आप, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। तो भीड़ यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी आप मंदिर देखिए, और चलते हैं नीचे मंदिर के पास। तो चलो इतनी भीड़ यहाँ, अंधाधुंध भीड़ है। तो जय हो बाबा की, अब चलते हैं ऊपर, जो बस जल्दी से अंदर नंबर आ जाए, प्रसाद चढ़ जाए, प्रसाद हमने ले लिया, प्रसाद चढ़ाते अंदर, और फिर देखो भाई साहब क्या जगह है, जगह है, जगह है। अब तो एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से बद्रीनाथ, एकदम साफ साफ भाई, नीचे दिख रहा है। ये रहा अपना बद्रीनाथ धाम, तो अब आपको मंदिर दिखाता हूँ मैं कैसा है बाहर से, क्योंकि अंदर तो पूजा कर ली, फिर अंदर का सीन दिखाना ठीक नहीं रहता, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब मैं आपको बाहर बाहर से मंदिर दिखाता हूँ किस तरीके का है।
यह है श्री भद्र विशाल सर्वरूप मूर्ति। ऐसी ही मूर्ति लगभग अंदर है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। और बाकी आसपास का इलाका यहाँ का काफ़ी अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे लोग सत्संग साधु बने हुए हैं। आ जाओ बाकी आप ये पीछे से देख सकते हैं मंदिर को। यह बजरंगबली का मंदिर, ये वाला मंदिर पता नहीं किस चीज़ का है, ये वाला ये शायद राम लक्ष्मण का है क्योंकि इसमें भगवान राम परशुराम है, वो शायद पता नहीं कौन सा भगवान है जिन्होंने धनुष को उठाया हुआ है। और ये है अपने श्री घंटाकर्ण देवता, श्री क्षेत्रपाल देवता यहाँ के घंटाकर्ण देवता, उनको नज़दीक से आप दिखाता हूँ। बाकी आपको अंदर का सिंटम दिखा सकते बट यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया। ये फिर से बजरंग बली का ही मंदिर है, यहाँ पे हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। श्री महालक्ष्मी टेम्पल, बाकी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया, अब एक बाहर से मंदिर का दे देंगे कि मंदिर किस तरीके से दिखता है। चार्जर लगवा, टीका लगवा। तो अभी चाचा के यहाँ पे टीका लगते हुए, ये हो गया। वाह वाह क्या लगते हो गुरु। तो ये कुछ फाइनल व्यू मंदिर का, और यहाँ पर एक हवन कुंड भी है वहाँ पे, ये रहा यहाँ पर एक हवन कुंड है और साथ में ये अपना मंदिर। पूजा वगैरह करा ली है और आप बाहर की तरफ चलते क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं मंदिर के अंदर, तो अब बाहर चलते क्योंकि अंदर तो वर्जित है फ़ोटो खिंचाना, फ़ोटो खींचना भी और खिंचाना भी, तो आप बाहर चलते हैं। ये भीड़ देखिए एक बार, कितने भक्त हैं, कितने सारे भक्त हैं, और ऐसे कई ज़्यादा भक्त ऊपर रोड पर भी हैं। यहाँ देखिए भाई साहब सब फोटो वाले हैं। बाकी अब आपको मंदिर दिखाता हूँ मैं यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है नीचे से देखने में, अब आपको नीचे से मिलता हूँ वहाँ से। ये लो जी फुल मंदिर अब यहाँ से दिख रहा है और वादियों के साथ एकदम खतरनाक लग रहा है देखने में। बाकी अंदर थोड़ी भीड़ ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा धक्का मुक्की भी हो रही है, बट कोई बात नहीं, हमने अंदर प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया है। बाकी आप अभी मंदिर को एंजॉय कीजिए। अब एक नज़ारा आप ऊपर का देखिए पहाड़ों का, वो सामने पहाड़ से लेके ऊपर पहाड़ों तक देखिए भाई साहब, वो ऊपर बहुत भयंकर ग्लेशियर ही है। बाकी अब आपको बद्रीनाथ घुमाते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर आपको बद्रीनाथ घुमाते हैं और दिखाते हैं बद्रीनाथ में क्या क्या स्पेशल है देखने के लिए। मंदिर तो विजिट कर दिया, अब चलते हैं नीचे। पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह से 4 बजे से लगे हुए हैं रास्ते, तो पहले ब्रेकफास्ट उसके बाद थोड़ा बद्रीनाथ घुमाते हैं आपको और फिर चलते हैं घर की तरफ।